संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर विपक्षी दल लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज दिल्ली बीजेपी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगने के नारे लगाए गए हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उत्तराखंड से प्रभारी दुष्यंत गौतम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिधोड़ी से खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी से राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड से प्रभारी दुष्यंत गौतम के मान साहब बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, जनता सड़कों पे खड़ी है क्योंकि दो आक्रमण लगातार कांग्रेस के और इंडिया अलायंस से किए गए हैं। नंबर एक, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति, उनकी मिमिक्री की गई है, उनका अपमान किया गया है। और दूसरा, जो हमारे संस्कार है बड़ों का सम्मान करना, उनका इस प्रकार से भी, किसान का भी अपमान किया गया है, एक ओबीसी नेता का भी अपमान किया गया है। ये अपमान समाज नहीं सहेगा। ये अभी तीन राज्यों के चुनाव हुए हैं, ओबीसी का मुद्दा लेकर चले थे, लेकिन ओबीसी वालों ने कहा था हमें देश चाहिए। कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये धरना प्रदर्शन संसद के अपमान के विरोध में। अभी इंडी गठबंधन की बैठक हो जाए, प्रधानमंत्री के चयन की बात हो जाए, तो केजरीवाल विपक्षना छोड़ के आ जाएगा। जिस तरह से प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, किस तरह कांग्रेस ने जिस तरह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, इसको किस तरह से देखते हैं? अरे भाई, देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। ये आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का अपमान नहीं है, ये देश के किसानों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा कर सम्मानित करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री के पद से भी बड़ा है। राहुल गांधी आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से माफी मांगे, देश के किसानों से माफी मांगे, और ममता बनर्जी अपनी पार्टी के एमपी कल्याण बनर्जी को पार्टी से निष्कासित करें। आज देश भर में राहुल गांधी के पुतले जलाए जा रहे हैं। इसकी तो मैं सब बात करने के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिधोड़ी एमके न्यूज के लिए दिल्ली से।